शिक्षिका की भूमिका में नजर आई राष्ट्रपति मुर्मू, विद्यार्थियों से किया संवाद, जल संरक्षण, ग्लोबल वार्मिंग पर की बात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर 2 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया। इस अवसर पर वे शिक्षिका की भूमिका में नजर आई और विद्यार्थियों से ग्लोबल वार्मिंग और इसे रोकने के तरीकों पर संवाद किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय में 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ संवाद करते हुए उन्होंने जल संरक्षण पर जोर दिया। कक्षा के 53 विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा, मैं पिछले कई दिनों से सोच रही थी कि आपसे बात करूं, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत प्रतिभाशाली हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। संवाद की शुरुआत में राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से उनकी अभिलाषा और पसंदीदा विषयों के बारे में पूछा तथा ये जानकर प्रसन्नता व्यक्त की कि विद्यार्थी वैज्ञानिक और डॉक्टर बनने को इच्छुक हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि पूरी दुनिया में वैज्ञानिक, जनता, प्रशासक और शासक बहुत बड़ी समस्या पर संगोष्ठी, सम्मेलन और सभा कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि वह समस्या क्या है? इस पर तुरंत विद्यार्थियों ने जवाब दिया कि जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण प्रदूषण। राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने स्कूल में पढ़ा था कि 6 ऋतुएं होती हैं, लेकिन हम केवल 4 महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि इन 4 में से सबसे ज्यादा गर्मी का एहसास हमें ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होता है। दिन ब दिन तापमान बढ़ता जा रहा है और इसका असर सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि जानवरों, पक्षियों और पेड़ों पर भी पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से देश के कई हिस्से सूखे की मार झेल रहे हैं, इसलिए जल संरक्षण की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बच्चे ये भी जानते हैं कि पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और हमें और पेड़ लगाने चाहिए। हमें पानी की बर्बादी को रोकने और उसके संरक्षण के लिए कदम उठाना चाहिए। हमें वर्षा जल को जमा करना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।